नमस्कार, कक्षा 8 एक्सरसाइज 3.3 प्रश्न 5 आज हम करने जा रहे हैं। प्रश्न 5 है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए, हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ये हमने आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है। मान लीजिए इसका नाम हम रखते हैं ए बी सी डी। ये एक समांतर चतुर्भुज है। इसके दो आसन्न कोण होते हैं साथ साथ वाले, जैसे एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। इन दोनों का अनुपात है 3:2। तो हम लिखेंगे अनुपात बराबर 3:2। मान लो कोण ए बराबर है 3x डिग्री के, कोण बी बराबर है 2x डिग्री के। अब बच्चों हमें ये बात पता है कि जो आसन्न कोण है, ये देखिए ये एक समांतर रेखा है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और यह इनकी है तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा जो दो रेखाओं को काटती है। तो ये जो कोण है ये कैसे हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंदर वाले कोण, यानी अंतः कोण। और हमें पता है यदि रेखाएं समांतर हैं, ए बी और डी सी ये दो समांतर रेखाएं हैं, तो तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोणों, सॉरी ए डी और बी सी समांतर है, ए डी और बी सी समांतर और ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री यह 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 3x प्लस 2x हो गया 5x डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से x आ जाएगा 180 डिग्री, 5 इधर x के साथ गुना हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा भाग। अब हम इसे काट देते हैं, 5 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 18 में से 15 गए 3, 3 और 0 30, 5 छ के 30, यानी x आ गया 36 डिग्री के बराबर। अब हमें निकालने हैं बाकी कोण। तो कोण A बराबर होगा 3x डिग्री के, 3x डिग्री का मतलब 3 गुना x कितना आया है 36, तो 3 गुना 36, 36 दिया होता है 108 डिग्री। इसी प्रकार से कोण B यह बराबर होगा 2x डिग्री के, 2x का मतलब 2 गुना x आया है 36 डिग्री, तो 2 गुना 36, 36 दुनी होता है 72 डिग्री। तो अभी हमारे पास कोण A और कोण B आ गए हैं, हमें इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करनी है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा कि कोण A यह किसके बराबर होगा, यह एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोण जो थे इनका योग तो 180 डिग्री था, लेकिन जो सम्मुख कोण होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने वाले कोण होते हैं, वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि कोण C बराबर होगा कोण A के, और कोण A कितने के बराबर है 108 डिग्री के, सॉरी 108 डिग्री के। इसका कारण हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हैं, बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये जो कोण D है यह बराबर होगा कोण B के, क्योंकि ये एक दूसरे के आमने सामने वाले कोण है, यानी सम्मुख कोण है। कोण D बराबर होगा कोण B के, और देखिए कोण B किसके बराबर आया था 72 डिग्री के, तो इसका मतलब कोण D भी बराबर होगा 72 डिग्री के। इसका भी कारण यही है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न में
इस समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात हमें दिया हुआ था, उस अनुपात के हिसाब से हमने सभी कोण निकालने थे। तो देखिए इसमें कोण ए आया है 108 डिग्री, कोण बी आया है 72 डिग्री, कोण सी आया है 108 डिग्री और कोण डी आया है 72 डिग्री। तो हमने इस समांतर चतुर्भुज के चारों कोण निकाल दिए हैं। तो इसी के साथ हमारा यह प्रश्न खत्म होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो, यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।